जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर प्री अकेडमी पर स्वागत है। आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं मेरे साथ मिलकर, और मैथ में आपका चल रहा है रेशियो। आज हम लोग उसकी थर्ड क्लास लेके चलेंगे, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे घर पर और अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत जल्दी देखिए भाई नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपका आर्मी का भी आ जाएगा, SSC GT भी बहुत जल्दी ऑनलाइन चालू हो जाएगा, उसका भी डेट, ठीक। बहुत सारी वैकेंसियाँ लगी हुई हैं, इसलिए आप अभी से ही मेहनत चालू कर दो भाई। अगर बेस मजबूत कर लो, क्योंकि मैथ है, मैथ जो होता है आपको पूरा का पूरा नंबर दिलाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको बनाना सीख गए तो 100% है कि आप सिलेक्शन ले लोगे, क्योंकि अदर बच्चे भी GS याद करते हैं, आप भी GS याद करते हैं, लेकिन मैथ है क्या बच्चे कम सीख पाते, ऐसा नहीं है। तो अगर आप बनाने के लिए भाई सीखे, जितना आपको बताया जा रहा है उस पर आप प्रयास करें, 100% मिलेगा आपको सफलता। इस बार लग जाइए मेरे साथ मिलकर, और जितना बताएं और उसको तैयारी करो भाई, और नोट्स बनाओ भाई, नोट्स बनाते रहोगे तो 100% आपका सफलता तय है। और जो भी आपका चल रहा है संडे स्पेशल, हम लोग मैराथन क्लास लेके चलते हैं, रिविजन बैच चलता है, तो संडे स्पेशल जरूर अटेंड किया करें। और क्योंकि उसमें जितना होता है आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लेके चलते हैं, प्रीवियस ईयर 10 साल 5 साल जो भी आपके क्वेश्चन हैं उन सबको लेके आते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। इसके पहले आप लोग भाई वीडियो को शेयर कर दिया करें आपका जो भी ग्रुप है उसमें, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको कोई भी वीडियो पड़े आगे जाके तो आपको जल्दी आपको पता चल जाए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आज स्टार्ट करेंगे हम लोग, देखेंगे। देखिए रेशियो का दो क्लास हो चुका है, अगर आपको बेसिक से जानना है तो पहला और दूसरा क्लास देखिएगा, आज हम लोग थर्ड क्लास लेके चलेंगे। चलिए देखते हैं इसको। देखिए पहला क्वेश्चन है आपसे, कह रहा 2.4 तथा 3.6 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। सबसे पहले हम समझेंगे समानुपाती क्या, प्रथम समानुपाती, मध्य समानुपाती या तृतीय समानुपाती होगा क्या, सबसे पहले यह समझना है। देखिए इसमें क्या होता है, आपको फार्मूला नहीं रटना, हम फार्मूला नहीं रटवाएंगे, लेकिन बताएंगे जरूर कि कैसे प्रथम समानुपाती है, मध्य क्या है, आपका तृतीय समानुपाती क्या होगा, आपको फार्मूला जरूर बताएंगे, लेकिन आपको लगाना नहीं है। चलिए देखते हैं इसको। जैसे आपसे कह रहा प्रथम समानुपाती, देखिए समानुपाती का मतलब क्या होता है पहले इसको समझेंगे। जैसे हम कहें ए अनुपाते बी, ए अनुपाते क्या बी, एक मिनट, देखें इसको। चलिए देखते हैं हम लोग, जैसे आपसे कह रहा ए अनुपात का चिन्ह लगाया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कहेंगे बी, फिर ये आपका समानुपात का चिन्ह किसका है, समानुपात का है, फिर आपको हम यहां पे बी लिखेंगे, फिर आपको अनुपात क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, क्या लिखना है, सी। देखिए ए और बी और सी इसी के बारे में चर्चा करना है, क्योंकि आपसे ए कहेगा, ए का मतलब है प्रथम समानुपाती, क्या होगा प्रथम, मतलब यहां आपको याद रखना है प्रथम समानुपाती से, और बी का मतलब आपको याद रखना है मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती, एक मिनट, यहां पे क्या लिखना है भाई, मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती। सी का मतलब आपको याद रखना है तृतीय समानुपाती, सी बराबर क्या होगा, तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती अनुपाती। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसको। देखिए इसमें करना क्या होता है भाई, इसको यहां पर देखें, इधर जैसे यहां पे ए है, ए अनुपात का मतलब होता है बटा, क्या होता है बटा होता है, समानुपात का मतलब क्या है, बराबर होता है, यहां पे क्या है बी बटे सी है। अब आप अगर तिर्यक गुणा करेंगे भाई, देखिए यहां पे अगर तिर्यक गुणा करें तो क्या हो जाएगा, कहेंगे ए सी, ए गुणे सी, अगर इसका तिरछा गुणा करेंगे तो बी बी दो बार है तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं भाई, तो कहेंगे बी स्क्वायर लिख देंगे। अगर हमसे देखिए फार्मूला बनाना, कैसे फार्मूला बनेगा ये आपको समझना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको समझना है भाई कि कैसे फार्मूला आपका बनेगा। देखिए अगर मान लीजिए हमसे
प्रथम समानुपाती का, प्रथम का मतलब क्या होगा, तो कहेंगे ए का मान, क्या होगा ए का मान अगर हम चाहिए प्रथम समानुपाती, प्रथम समानुपाती। देखें प्रथम समानुपाती का मतलब ए का मान। अब आप बताइए यहां पे सी गुणे में इधर किस में जाएगा, कहेंगे बटे में। अगर मान गुणे में है तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, कहेंगे बटे में हो जाएगा। यहां ए बराबर क्या मिल जाएगा, कहेंगे बी स्क्वायर बटे सी मिल जाएगा। इसका मतलब प्रथम समानुपाती का फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, ए बराबर बी स्क्वायर अपान सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हमको मध्य समानुपाती कहे ज्ञात करने के लिए, क्या कहें मध्य समानुपाती ज्ञात करना है, तब कैसे करेंगे। जैसे देखा जाए मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती का मतलब क्या होगा, तो कहेंगे बी का मान चाहिए, हमको बी का मान चाहिए भाई। अब देखिए बी का मान चाहिए तो देखिए यहां पे क्या स्क्वायर है, अब आपको दिख रहा है ए गुणे सी बराबर बी स्क्वायर, इसी से सारा फार्मूला बनना है आपका। यहाँ पे हमको बी का मान चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर लगा है भाई। अगर अब स्क्वायर हमको हटाना है क्योंकि हमको अकेले बी का मान चाहिए, तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने पे आपका क्या होगा भाई, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ मिलेगा बी, और यहाँ वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा रूट लग जाएगा। तो बी बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट ए सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए सी। तो मध्य समानुपाती बराबर फार्मूला क्या मिलेगा अंडर रूट ए सी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए तृतीय समानुपाती, क्या कहा जाए तृतीय, कहा जाए तृतीय समानुपाती, तो तृतीय का मतलब क्या होगा भाई, तो सी का मान होगा, किसका मान हो जाएगा, तो कहेंगे सी का मान होगा। चलिए सी का मान लिखे यहां पे, देखें तृतीय समानुपाती अब यहां पे क्या आपको सी का मान चाहिए, तो सी बराबर क्या होगा, देखिए यहां पे ए गुणे में इधर किस में जाएगा, कहेंगे बटे में जाएगा, तो सी बराबर क्या मिल जाएगा, कहेंगे बी स्क्वायर अपान क्या मिल जाएगा ए। तो तृतीय समानुपाती का फार्मूला आपका बन जाएगा सी बराबर बी स्क्वायर अपान ए बन जाएगा। लेकिन आपको देखिए फार्मूला यूज नहीं करना है, क्या फार्मूला यूज नहीं करना, बस आपको हम बता रहे हैं कि अगर कभी फार्मूला ही दे दिया जाए कि प्रथम समानुपाती बराबर क्या होगा, तो आप बताओगे ए स्क्वायर सॉरी ए बराबर होगा बी स्क्वायर अपान सी। अगर बी बराबर पूछ ले मध्य समानुपाती तो अंडर रूट ए सी, अगर आपसे सी पूछ लिया जाए तो बी स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आपको सवाल कैसे पहचानना है ये देखिएगा यहाँ पर, जैसे आपसे कह दे प्रश्न मान लीजिए दिया जाता है 2, 3 का प्रथम समानुपाती, आपसे पूछ लिया जाए प्रथम समानुपाती बताइए, तो कैसे पहचान करना है ये हमें जानकारी में रखना है भाई। देखना प्रथम समानुपाती आपसे पूछा जाए, अगर आपसे प्रथम पूछा जा रहा, प्रथम का मतलब क्या है ए का मान आपसे पूछा जा रहा है, किसका मान पूछा जाएगा प्रथम का मतलब ए का मान, अगर मध्य कहेगा तो बी का मान, अगर तृतीय कहेगा तो सी का मान आपसे पूछा जाएगा। अगर ये प्रथम कह रहा है इसका मतलब ए को छोड़ के जो बचा रहेगा वो मान हो जाएगा। अब जैसे इसमें कौन कौन से अक्षर ए बी सी, यही 3 अक्षर हम लेते हैं, यहाँ पे अगर आपसे प्रथम पूछा जा रहा है इसका मतलब जो मान है पहला वाला बी का हो जाएगा, अगला वाला किसका मान हो जाएगा, कहेंगे सी का हो जाएगा। अगर आपसे यहीं पे मध्य पूछ ले मध्य समानुपाती, तो मध्य का मतलब बी का मान, तो जो बचेगा अक्षर उसका वो पहला और दूसरा मान हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा और सी का मान हो जाएगा। बस यही सवाल में आपको यहाँ पे समझना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग आज का, जैसे अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा है 2.4 तथा 3.6 का प्रथम समानुपाती क्या होगा, आपसे प्रथम पूछा जा रहा है। अब आप एक तो चाहे फार्मूला लगाएं कि प्रथम समानुपाती बराबर क्या होता है, तो कहेंगे ए बराबर बी स्क्वायर अपान सी होता है। मान लीजिए अब आपको फार्मूला नहीं याद है भाई तो कैसे करोगे, सबसे पहले ये समझना, देखें इसको यहाँ पे आपसे प्रथम पूछा जा रहा है इसका मतलब है ए का मान पूछा जा रहा है, तो बचे कौन कौन से अक्षर बी और सी, इसको हम बी मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम सी मान लेंगे। अब आपको फार्मूला क्या करना है, सिर्फ यही इतना याद रखना है ए बटे बी बराबर बी बटे सी,
चाहे आपसे प्रथम पूछे, चाहे मध्य पूछे, चाहे तृतीय, इसको तैयार रखोगे तो आपको फार्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब आप समझना, हमें प्रथम निकालना, इसका मतलब ए का मान कुछ नहीं है, ए का मान कुछ नहीं रखेंगे। बी कह रहा है, अब आपको पता है कि क्रम से मान होते हैं बी और सी, तो बी का मान कितना है, कहेंगे 2.4 बराबर, फिर बी का मान कितना है, तो कहेंगे 2.4 बटे सी का मान कितना है, तो कहेंगे 3.6 है। कितना है भाई, 3.6 है। अब आप इसी को हल कर लीजिए, हल करके ए का मान निकाले, आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए कैसे करेंगे, अगर आप इसका तिर्यक गुणा करोगे तो इसके स्थान पे आ जाएगा, 36 तो पहले से ही बटे में है, उसको आप रहने दें, और नहीं तो अगर आपको करना है तो आप तिर्यक कर सकते हैं, यहां पे करें तो 3.6, इसका करेंगे तो 24 गुणा 24। अब देखिए भाई, हमको ए का मान चाहिए तो यहां बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा है, इधर किस में जाएगा, तो बटे में, ए बराबर हो जाएगा 2.4 × 2.4 / 3.6। देखिए हल करना है आपको, सॉल्व भी करना है, चाहे आप यहीं पे दशमलव से दशमलव काट लें, जितना आप छोटा कर सके कर सकते हो भाई। चलिए इसको हल करते हैं, अब हम लोग यहां पे देख, अगर इसको हम देखें दशमलव से दशमलव आपका क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे कट जाएगा, अगर इसको हम काटना चाहें तो 12 से काट दे तो 12 3 36 और 12 दूना क्या होगा, तो कहेंगे 24 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव से एक अंक पे, दशमलव से दशमलव कैंसिल, अगर अब यहां बचा कितना, तो कहेंगे 2 × 2.4 बटे 3 है, तो 3 से और काट दो भाई, 3 से आपका 24 कट जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 3 × 8 = 24, 8 बार गया, लेकिन यहां दशमलव लगा था भाई, तो एक अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव। आगे आप जीरो बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ाना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इनका गुणा कर लीजिए, गुणा ऊपर ऊपर से होगा, तो 8 दूना कितना हो जाएगा भाई, 16। दशमलव एक अंक पे, एक अंक पे आपका क्या लग जाएगा भाई, दशमलव लग जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 1.6। कौन सा ऑप्शन, यहाँ बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। फिर से एक बार मान समझ लेंगे, ए बटे बी बराबर बी बटे सी, आपसे प्रथम पूछा जा रहा, प्रथम का मतलब ए का मान पूछा जा रहा है, ये मान क्या हो जाएगा, क्रम से हो जाएगा, फिर बी और सी बन जाएगा, तो बी का मान रखे हैं, उसके बाद सी का मान रखे हैं, आप तिर्यक यहाँ पे गुणा करें, तो तिर्यक गुणा करेंगे 3.6, इसका करेंगे तो 24 × 24 कर दिया। अब ये गुणे में तो इधर किस में आया भाई, बटे में आया, 12 से काटे 12 3 36, 12 2 = 24 हो गया। अब आप चाहे यहां गुणा कर लो भाई, 24 2 = 48, 3 से काटते फिर से 16 आता, आंसर वही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें, देखिए अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, 7 और 28 का मध्य समानुपाती क्या होगा, आपको मध्य समानुपाती पूछ रहा है, मध्य का मतलब है आपसे बी का मान पूछा जा रहा है, किसका मान, बी का मान यहां पे पूछा जा रहा है, मध्य का मतलब बी पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये बी पूछा जा रहा है, तो ये मान जो दिए गए ये किसका मान है, तो क्रम से चलेंगे, ये ए का मान है, ये किसका मान है, तो कहेंगे सी का मान, क्योंकि आपसे बी का मान तो पूछा जा रहा है, ये हो जाएगा आपका सी का मान। अब आपको हमने बताया फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप रटते हैं लगाते हैं तब भी सही है, अगर नहीं तो आप सीखें कैसे। सबसे पहले ए बटे बी बराबर बी बटे सी, अब हमको बी का मान चाहिए तो बी का मान तो रखना नहीं भाई, तो चलिए रखते हैं, ए का मान कितना है, तो कहेंगे 7 / b बराबर, बी का मान नहीं पता, सी का मान कितना है, तो कहेंगे 28। अब आप तिर्यक गुणा करें तो बी बी का गुणा कितना हो जाएगा, कहेंगे 20² हो जाएगा, अगर इसका आप गुणा कर लीजिए तो 7 × 56, 56 × 6 = 5, और 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 × 5 कितना होगा भाई, 19, तो आ गया 196। हमको चाहिए भाई बी का मान चाहिए, ये बी स्क्वायर का मान है, इसका मतलब स्क्वायर हटाना है तो दोनों पक्षों का क्या करना होगा, कहेंगे वर्गमूल ले लें, क्या ले लें, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। देखिए वहां पर ये सब नहीं लिखना है, आपको यहां पे समझाने के लिए लिख रहे हैं, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो ये बनेगा बी, अब 196 किसका स्क्वायर होता है, कहेंगे 14 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है भाई, 14 का। आपको अगर स्क्वायर निकालना भाई, वर्गमूल निकालना है, तो कम से कम 1 से लेके 24 तक आप याद रखो, ठीक है।
196 किसका वर्ग है, तो कहेंगे 14 का हो जाएगा। देखिए मौखिक भी कर सकते हैं, मध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो मध्य में क्या होता है, इन दोनों का गुणा करो, देखो किसका वर्गमूल है। अब 7 और 28 का क्या कर ले, गुणा कर ले। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, देखिए अगर आप बनाना चाहें 28 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 × 2 × 2 लिख सकते हो भाई, ठीक है। अब हमको बी अगर फार्मूले से अगर करना चाहे, हमको बी बराबर क्या होता है, रूट ए सी होता है, दोनों का मान रख दिया हमने। अब जोड़ा है तो जोड़े को हम बाहर करते, 1 7 आया बाहर, इस जोड़े को बाहर करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 बाहर आएगा, तो 7 × 2 कितना हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो, तो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है तृतीय समानुपाती क्या है, इसका मतलब तृतीय का मतलब क्या होगा भाई, तो कहेंगे सी का मान आपसे पूछा जा रहा है। किसका मान पूछा जा रहा है, सी का मान पूछा जा रहा है। जब ये सी पूछा जा रहा है तो ये मान है किसका, तो क्रम से बताना भाई, सी छोड़ो, सी के बाद कौन कौन से अक्षर बचे, कहेंगे ए और बी, इसका मतलब ये ए का मान है और ये किसका मान है, तो कहेंगे बी का मान। चलिए हल करते हैं इसको। अब मान लीजिए आप फार्मूला नहीं लगाना चाहें तो फिर से ए बटे बी बराबर बी बटे सी। अब ए का मान क्या है, तो कहेंगे 0.36 बटे बी का मान कितना है, तो कहेंगे 0.48। फिर बी का मान आप रखेंगे 0.48 बटे में क्या लगाएंगे भाई, सी का मान निकालेंगे, क्योंकि सी का मान आपसे पूछा जा रहा है। अब आप हल कर लीजिए, हल करके आंसर आप बताइए। देखिए अगर आपको काटना है तो यहीं पे कट सकता है, बहुत ज्यादा ये नहीं करना है। देखिए दशमलव है, अगर ऊपर ऊपर से काटना चाहे तो ऊपर से भी कट जाएगा, अगर ऊपर नीचे से इसको काटेंगे तब भी कटेगा। चलिए इसको काट देते हैं, दशमलव 2 अंक पे दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे कट जाएगा, इसको यहाँ पे आप काट दीजिए। 12 से काटे तो 12 3 36, अब बर चौक कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 48 हो गया। चलिए हल करते हैं, तो यहाँ पे आया मान कितना, 0.48 बराबर 4/c का मान। अगर आप तिरिया गुणा करना चाहें तो कर सकते हैं, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3c, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 × 0.48। अब देखो भाई सी का मान हमको चाहिए, ये गुणे में है, यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। ये अगर आप यहीं पे काटना चाहें तो काट सकते हैं, 3 × 1 = 3, 3 से इसको काट दे तो आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16, लेकिन यहाँ पे भाई दशमलव है, ठीक है, तो दशमलव यहाँ पे 4 × 0.16 है। अब आप इसका गुणा कर लीजिए, 16 × 4 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 64 हो जाएगा। दशमलव 2 अंक पे है तो 2 अंक पे आपका दशमलव लग गया, तो मान कितना आ जाएगा, 0.64। आप 0 लगा सकते हो आगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे आंसर कौन सा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखो भाई मान काटना जितना आप छोटा कर सकते हो कर सकते हो, चाहे यही काट सकते हैं, 3 से काटते 16, तिरछा गुणा करते सी कम सी, और 16 × 4 क्या हो जाता है भाई, 64 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। और डायरेक्ट करना अगर फार्मूले से करना है तो फार्मूला सी बराबर क्या होता है भाई, b² / a। बस b का मान क्या है, 0.48 × 0.48 बटे में क्या लगा देंगे, a का मान कितना है, तो 0.36। आप इस तरह भी काट सकते, एक ही बार में आ जाएगा। यहाँ पे काटे दशमलव से दशमलव कट गया, 12 3 36, अब बर चौक 48, 3 से काटेंगे तो ये 16 बार जाएगा, दशमलव 2 अंक पे दशमलव 2, 16 × 4 कितना हो जाएगा भाई, तो 64, और दशमलव 2 अंक पे लगा देंगे आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप फार्मूले से भी कर सकते हो, अगर फार्मूला नहीं पता है तो आप इसको बना सकते हो भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न फिर देखिए कह रहा, 8 तथा 72 का मध्य समानुपाती क्या होगा, तो मध्य समानुपाती एक तो हमने बताया ए बटे बी बराबर बी बटे सी, अगर आप जो आपको फार्मूला बताए हैं उससे भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। मध्य का मतलब होता है बी का मान भी, तो बी बराबर क्या होता है, हमने आपको फार्मूला लिखा ए सी होता है, ठीक है भाई, तो क्या होता है, ए सी होता है, देखना इसको। इसको देखेंगे तो B हमको चाहिए, अगर मध्य पूछ रहा तो इसका मतलब ये क्या मान होगा, क्रम से A होगा, ये क्या होगा भाई, तो C हो जाएगा। चलिए मान रखते हैं, A का मान कितना है, तो कहेंगे 8, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा है, फिर किसका मान, 72। एक तो आप इसका गुणा करके देख सकते हैं किसका वर्गमूल बनेगा,
या आप इसको तोड़ के भी कर सकते हो भाई। जैसे अगर हम गुणा करें तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 16 की 6, हासिल है 8 × 7 तो कहेंगे 56, और 56 में देखिए एक जोड़े तो कितना हो जाएगा 57, 576 आ गया। क्या आ गया? 576। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप बता सकते हो 576 किसका वर्ग होगा, 24 का होगा कि 40 का कि 32 का कि 36 का। तो कहेंगे ये 24 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है भाई? तो 24 का। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बी का मान कहेंगे 24 आ जाएगा। कैसे स्क्वायर करना है भाई? एक तो आप देख सकते हो सब आपका 30 से बड़े हैं। जब 30 का स्क्वायर अगर करना है देखो, तो जीरो वाले के स्क्वायर सबसे आसान होता है, 00 × 3 = 9, ये 900 आया, 30 का है तो 32 का तो आपका 1024 होगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ना तो ये ऑप्शन होगा, ना तो ये होगा, और ना तो आपका ये होगा, ठीक। इसका मतलब आंसर कौन सा बचेगा, ए 24। ये आपको याद है तो आप कर सकते हो, या इसी को भाई ऐसे भी किया जाएगा। देखना, देखें जैसे यहां पे रूट में क्या था, तो कहेंगे 8 72 को आप लिख सकते हो 9 8 72, क्या कर सकते हैं 9 8 72 या 8 9 72। अब 8 और 8 का जोड़ा बनेगा, 8 तो बाहर आ गया, 9 किसका वर्ग है, तो कहेंगे 3 का वर्ग है, तो 8 3 कितना हो जाएगा भाई, 24 आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए इस टाइप से प्रश्न आपका रीजनिंग में भी आता है भाई। क्या आता है? रीजनिंग में भी आता है, लेकिन रीजनिंग में रीजनिंग का दूसरा तरीका लगेगा, यहाँ मैथ में ये क्या होता है, दूसरा लगता है, ठीक है। मैथ में कैलकुलेशन करना होता है भाई, रीजनिंग में वहाँ तर्क लगाना पड़ता है कि दोनों तरफ को हमको बराबर करना होता है। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे मान क्या है आपसे कह रहा है, 5 = 8। देखिए 5 अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटा, बराबर आपको दिया जा रहा भाई 150, फिर अनुपात दिया है, बटे लगाए, यक्ष है तो यक्ष लिखेंगे, बस इसी को सॉल्व करके यक्ष का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 5 से काटते हैं, अगर ऊपर देखिए कट सकता है तो 5 1 = 5, 5 से इसको काट दे तो यहाँ पे 5 3 = 15, ये आ गया 30। अब आप त्रिक गुणा करें तो यक्ष 1 = 1 कहेंगे यक्ष हो जाएगा, और इसका गुणा करें तो 8 3 = 24, 0 है तो 0, तो यक्ष का मान कितना आ गया भाई, कहेंगे 240 आ गया। कौन सा ऑप्शन? यहाँ डी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर क्लास आप लोग को पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें, और बताएं, कमेंट भी करें कि कैसी लगी क्लास, और जितना कुछ बताया जा रहा है भाई उसको तैयारी भी करें, ये नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं आप ना पढ़ो, तो भाई मिसयूज करोगे तो फिर आपका ऐसा काम नहीं होगा। जितना बता रहे हैं अगर पढ़ोगे तो 100% मैं कह रहा हूँ कि आपका अगर रेशियो से कोई भी क्वेश्चन आएगा यहीं से मिलेगा, बस अंक उसके बदल सकते हैं लेकिन पूछने का ढंग यही रहेगा भाई, इसलिए अभी से ही भाई पढ़ना चालू करो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए यहाँ पे क्या है, एंड है, चाहे यहाँ पे ए का मान क्वेश्चन मार्क या यक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पे यक्स है, चाहे आपसे यहाँ पे क्या दे दिया जाए भाई, एंड दिया गया है तो एंड, या ए बी सी डी दे सकता है, मतलब कोई ना कोई अक्षर आपको जरूर देगा, एक खाली छोड़ता, उसी की वैल्यू हमको बताना पड़ता है कि क्या होगा। चलिए देखते हैं, चलिए इसको हम बना लेते हैं यक्स। देखें यक्ष करें, यहां पे अनुपात है, अनुपात का मतलब क्या होगा, बटा, 3 है तो भाई 3, यहां पे समानुपात है, समानुपात का मतलब होता है बराबर, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, बराबर का चिन्ह। फिर उसके बाद क्या है, 15 है तो 15 बटे क्या लगाएंगे, 9। अब आप इसको हल कर लीजिए भाई, देखिए अगर नीचे से कुछ कटता है तो नीचे वाले को काट सकते हैं, तो यहां पे अगर हम कहें तो 3 1 = 3 और 3 3 = 9, अब आपका बचा देखिए 15/3 हो गया, तो 3 से इसको भी काट सकते हैं, 3 1 = 3 और 3 5 = 15, तो यक्ष का मान कितना है, यक्ष 1 = यक्ष और 5 1 = क्या हो जाएगा भाई, 5, तो यक्ष का मान कितना आ गया, कहेंगे 5 आएगा। कौन सा ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आपका क्या है भाई, राइट है, ठीक है। देखिए इन सब सवालों से आपका प्रश्न जरूर बनता है भाई, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप चाहे GD ले लीजिए, SSC GD ले लीजिए, या कोई भी पुलिस की वैकेंसी लेंगे, उस समय ये आपका प्रश्न जरूर बनता है, आसान होता है, हर बच्चे लगभग कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए कायदे से आप भी मेहनत करो, आपका भी
भाई प्रश्न बन जाए। चलिए अगला प्रश्न देखें। अब देखिए भाषा से आधारित कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं। लेकिन लैंग्वेज में क्या है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। आपको दिखने में बड़े लगते हैं लेकिन होते सबसे आसान है, तो आप समझेंगे सबसे पहले कैसे करना है इसको। देखिए मान क्या है आपका, कह रहा है ए 6000 रुपए को ए बी तथा सी के बीच 4:3:5 में बांटना है। मतलब तीन व्यक्ति हैं और टोटल रुपया कितना है, कहेंगे 6000 रुपया है। 6000 रुपए को तीनों व्यक्तियों में बांटना है, लेकिन उनका कुछ किसी को ज्यादा देना है, किसी को कम देना है, किसी को उससे ज्यादा देना है, इस रूप में बांटना है। उसके लिए अनुपात दिया गया है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि बी और सी के धनराशि में अंतर क्या है। देखिए मतलब बी या सी कौन सबसे अधिक है, कितना रुपया उससे ज्यादा है, आपको यह बताना है। चलिए समझते हैं इसको कैसे करना है। यहां पे आपको मान दिया जा रहा है ए बी सी, ए बी और सी, इनका अनुपात कितना है, तो कहेंगे 4:3:5 है भाई। अब आपको देखिए यहां पे करना क्या है, देखिए भाषा ही है इसमें, अगर आप समझ गए तो 100% सही हो जाएगा आपका। देखिए अगर आपसे कुल कहेगा, मतलब जैसे यहां 6000 रुपया तीनों लोगों में बांटना है, अगर कुल कहेगा तो तीनों अनुपातों को जोड़ना होगा। अगर किसी एक का मान दे दिया जाए, कहे 6000 रुपया ए का मान है, तो वहां ए के बराबर अनुपात में रखा जाता है। यहां पे कुल कह रहा है 6000 रुपया है, तो कुल का मतलब होता है तीनों अनुपातों को जोड़ना है। क्या करना है, तीनों अनुपातों को जोड़ना है। तो समझना भाई यहां पे अनुपात कितने हैं, तो कहेंगे 4, 3, 7, 7, 5, 12। 12 कुल है भाई, इसका मतलब 12 बराबर एक की वैल्यू सीखना भाई, कुल कुल कितना है, तो कहेंगे 6000। तो एक बराबर कितना होगा, 12 से गुणा करो, 12 × 5 = 60, एक की वैल्यू आ गई 500 आ गई। कितना आ गया, 500 आ गया। अब आपसे इसमें जिसका भी मान पूछेगा आप उसको मान एक की वैल्यू से गुणा कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ए को कितना रुपया मिलेगा, ए को कितना रुपया मिलेगा, तो आप ए देखिए एक की वैल्यू 500 आई, तो 500 से इसमें 4 में गुणा कर दीजिए। अगर इसमें हम 500 से गुणा करें तो 520, ए का रुपया कितना आ जाएगा, कहेंगे 2000 उसे मिलेगा। अगर बी से कह दिया जाए तो बी में गुणा कर दीजिए 500 से, तो 1500 रुपया आपको बी को मिलेगा भाई। अगर सी से कहा जाए तो सी वाले से गुणा कर दीजिए एक की वैल्यू से, तो देखें यहां पे 500 से आप इसमें गुणा कर दीजिए, तो 5×5 = 2500 रुपया हो जाएगा। मतलब आपका हिस्सा बढ़ गया 6000 रुपए में, ए को कितना 2000, बी को कितना 1500, सी का कितना, तो 2500 रुपया। मतलब आप इसको बता सकते हैं। अब आपसे लेकिन पूछा गया है यहां पर बी और सी के धनराशि में कितने का अंतर है, अंतर का मतलब घटाना या कम या ज्यादा, तो आप इसमें बताइए कितने का अंतर है। तो आप 2500 में से 1500 घटा दे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 1000 रुपए का अंतर है। यही हमारा क्या है भाई, आंसर है। ठीक है, कौन सा आंसर, तो 1000 रुपया, 1000 रुपया कौन सा विकल्प, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर आप इतना भी नहीं करना चाहें भाई, अलग अलग नहीं निकालना चाहें, तो आप कैसे करोगे, आपसे बी और सी के धनराशि में अंतर पूछ रहा है, तो आप अनुपात में देखें बी और सी के बीच कितना का गैपिंग है, कहेंगे 2 का गैपिंग है, 2 का गैपिंग है, एक की वैल्यू 500 है, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, कहेंगे 1000 रुपया, डायरेक्ट आप 1000 लगा दोगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए यहां पे सिर और पैरों पर आधारित प्रश्न आ गए हैं। रामनाथ के पास कुछ गाय एवं कुछ मुर्गी हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 55 तथा पैरों की संख्या 160 है तो उसके पास कितनी गाय है, आपको बताना है। समझेंगे हम लोग सबसे पहले, देखिए इसके कई टाइप हैं लगाने के लिए, लेकिन हम आपको जो टाइप सिखा रहे अगर आप सीख गए तो सब आपके लिए आसान है, कोई हार्ड नहीं है, तो समझना भाई। एक तो विकल्प वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन विकल्प में क्या होगा, आपको बारी बारी से चार्ट चेक करना होगा, तो उस तरह ना करें, सीखे कैसे करना है। देखिए यहां पे क्या है, गाय है और क्या है, मुर्गी है, गाय और मुर्गी यहां पे। अब करना क्या है भाई, यहां पे कह रहा है कि
कुल कितने सिर हैं? तो कह रहा 55 सिर और पैरों की संख्या 160। इसको हम रेशियो मेथड बता रहे हैं। भी पहला पहला टाइप क्या है आपका? रेशियो मेथड है, ये टाइप वन है। टाइप वन की सवाल देखना भाई, यहां पे सबसे पहले आपका जितने सिर हैं उसको लिखेंगे, क्योंकि इनको हम लोग पहले पैरों में कन्वर्ट करेंगे कि कितना है। अब आप बताइए गाय की कितनी टांगे होती हैं? तो कहेंगे चार टांगे, इसमें चार से गुणा करेंगे। और मुर्गी की कितनी टांगे? इसी 55 में दो से गुणा करें, क्योंकि मुर्गी की कितनी टांगे भाई? तो कहेंगे दो। अब इसको आप गुणा करें तो कितना होगा? चार पंचे 20, और यहां पे कितना? चार पंचे 20 दो 22, 220 आ गया। इसका कर ले तो 55 दूना कितना होगा? कहेंगे 110। मतलब टांगों की संख्या हमने निकाल लिया। अगर 55 सिर मान लें गाय के हैं तो कुल टांगे कितना हो जाएंगे? 220। और मुर्गी की कितना हो जाएंगे? कहेंगे 110। टोटल आपको पैरों की संख्या यहां पे दे रहा 160 है भाई, तो यहां पे हम क्या करेंगे? 160 को रखेंगे, ठीक है। अब आप इसमें से घटाई देखिए, रेशियो मेथड है भाई। अब आप इसको घटाएं, आप इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटा के यहां पे लिखना है। अब आप 100 देखिए, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना, ये नहीं है कि यहाँ पे माइनस में आएगा मान, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े में से छोटा घटाएं, 160 में से 110 गया तो कितना बचेगा? कहेंगे 50। अनुपात लगा ले, 220 में से 160 घटाएं भाई तो कितना बचेगा? तो कहेंगे 60 बचा। एक मिनट, हाँ 40 20 कितना? तो कहेंगे 60 हो जाएगा। अब आप इसको हल कर लीजिए भाई, देखिए 0 से 0 आपका क्या हो जाएगा भाई? कट जाएगा, जितना छोटा कर सके आप कर सकते हैं। तो मान कितना आ गया? कहेंगे 5:6 आ गया मान। कितना आ गया? 5:6। अब आपको भाई एक की वैल्यू निकालना है, चाहे एक की वैल्यू निकालें, चाहे आपसे अब जिसका मान पूछा जा रहा आप उसको निकालें। पूछा जा रहा गाय की कितनी संख्या, गाय का पूछा जा रहा है, तो गाय का मान कितना आया? कहेंगे 5 आया, तो यहां पे 5 रखेंगे। बटे में क्या रखा जाता है भाई? कुल रखा जाता है, कुल की संख्या अनुपात में। तो 6×5 कितना होगा? कहेंगे 11। गुणे, गुणे में सिरों की संख्या, क्योंकि सिर ज्ञात करना है तो सिरों की संख्या रखेंगे, यहां पे हो जाएगा 55। काट दें इसको, 11 × 11 = 55। अगर इनका गुणा करें तो 5×5 = 25। गायों की संख्या कितना मिल जाएगा भाई? 25 मिल जाएगा। अगर आपसे मुर्गी पूछ लिया जाए, अगर आपसे मुर्गी पूछा जा रहा भाई, क्या पूछा जा रहा? मुर्गी, तो मुर्गी में क्या है? मुर्गी का अनुपात का मान कितना है? कहेंगे 6/6, कुल रखेंगे तो 6×5 = 11, और गुणे सिर कितने हैं? तो 55 है, 11×5 = 55, और 5×6 कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 30। या आप एक का निकाल लें तो कुल सिर में से आप घटा देंगे तो अगले का मिल जाएगा। 55 में से 25 जाता तो क्या मिल जाता भाई? 30 मिल जाता। क्लियर है? चलिए, एक तो ये आपका है लगाने के लिए। अगर आपको और जल्दी करना है भाई तो आप सीख लीजिए सेकंड टाइप कैसे करेंगे। देखें यहां पे टाइप टू, आपसे गायों की संख्या पूछा जाए तो आप गाय लिखें, बराबर लगाएंगे। देखना भाई यहां पे कैसे किया जाता है, यहां पे आपको यह समझना है, सबसे पहले जितने सिर रहे उसको लिखेंगे, 55 है तो 55 गुणे लगाएंगे। उसके बाद अब आपको गाय पूछा जा रहा है तो आपको मुर्गी के टांगों से गुणा करना पड़ेगा। अगर मुर्गी पूछा जाएगा उसकी संख्या, तो गाय की टांगों से गुणा, मतलब जिसका पूछा जाएगा उसके विपरीत वाले पैरों से उसका क्या होगा भाई? गुणा होगा। अब आपसे गाय का पूछा जा रहा है तो मुर्गी वाले के टांग से गुणा, कितनी टांगे होंगी? तो कहेंगे 2। माइनस का जो कुल आपका पैरों की संख्या रखा रहेगा उसको रखेंगे भाई, 160 है 160। पूरे का बटा लगाएंगे 2। अब 2 क्यों रखा जा रहा है यह भी समझना है भाई। गाय की कितनी टांगे? तो कहेंगे 4 होती है। मुर्गी की कितना? तो 2। इन्हीं दोनों का अंतर कितना आएगा? तो 2 आएगा। इसलिए इसको बता रहे हैं, कभी कभी लोग बताते हैं कि 2 ही रहे, ऐसा नहीं, क्योंकि कभी कभी आ जाता है मोटरसाइकिल आ गया, ई रिक्शा आ गया, तो उसमें कितने चक्के? मोटरसाइकिल में 2, ई रिक्शा में कितने? तो 3 हो जाएगा भाई। इसके लिए वहां अंतर कितना आएगा? तो 1 आएगा। इस कारण से आपको यहां समझना है कि गाय की कितनी टांगे 4, मुर्गी की कितनी? तो 2। इन दोनों का अंतर तो बटे में 2 रखा जाएगा। चलिए हल करते हैं, तो 55 × 110 और यहां पे 160/2। यहां पे देखिए माइनस से कोई मतलब नहीं, बड़े में से छोटा घटाना है भाई। 160 में से 110 गया तो कहेंगे 50/2, तो कितना आ जाएगा मान?
तो कहेंगे भाई 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 25 आ जाएगा। यही आपका क्या है भाई? तो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? 25 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो कहेंगे ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मतलब यहां पे मौखिक करना, भाई मौखिक कर सकते हो। सिर्फ 55 है तो दो टांगे 55 दूना 110, 110 में से 160 गया, बड़े में से छोटा 50, 50 का आधा कितना? 25, 25 आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए सिक्के पर आधारित प्रश्न आ गया। एक थैली में 20 रुपया कामा 10 रुपया तथा 5 रुपए के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुलधन 1000 रुपया हो तो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? देखिए इस पर दो टाइप से आपका प्रश्न पूछा जाता है। एक यहाँ पे रुपया दे रहा है, एक यही के स्थान पे सिक्का दे देता है। क्या देता है भाई? सिक्कों की संख्या देता है। यहाँ रुपया है तो रुपये वाले को सबसे पहले कैसे करेंगे इसको देखना। सबसे पहले दे क्या रहा भाई? 20 रुपया है। कितना रुपया है? तो 20 रुपया है। देखिए 20 रुपया, उसके बाद क्या है? तो कहेंगे 5 रुपए के नोट है। देखिए सब रुपए में ही है तो रुपया लगा दे रहे भाई, 5 रुपए। उसके बाद क्या है? नहीं 10 पहले है तो 10 लिखेंगे, तो 10। उसके बाद कितना है भाई? 5 है तो 5 रुपए के नोट। आपको इसका अनुपात कितना दे रहा? अनुपात क्या है, संख्या कितना है? तो कहेंगे 3:4:5 के अनुपात में है भाई। अब यहां पे क्या करना होता है? अगर आपको रुपया है तो इस अनुपात को रुपए में बदलना होता है। किस में बदलना होता है भाई? तो रुपए में बदलना होता है। तो समझेंगे इसको कैसे करना है। सबसे पहले अब एक की वैल्यू निकालना है, इसके लिए मान रखेंगे। जैसे अब बताइए रुपए में है तो अनुपात से गुणा करें तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा? कहेंगे 20 रुपए का कितनी संख्या हो जाएगी? कहेंगे कितना? 20 तिहाई 60 हो जाएगा। अगर 10 का निकालें तो 10 चौक कितना हो जाएगा भाई? तो 40 हो जाएगा। और 5 पचम कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 25 हो जाएगा। कितना रुपया बनेगा? तो 25 रुपया बनेगा 5 रुपए के नोटों की संख्या। और 10 रुपए के नोटों की संख्या कितना? 40 रुपया बनेगा। और 20 रुपए के कितने बन जाएंगे भाई? तो 60 बन जाएंगे। इनका गुणा करें तब देखिएगा 20 तिहाई कितना होगा? तो कहेंगे 60 रुपया प्लस करेंगे, यहां पे 10 चौक तो 40 रुपया, यहां पे 5 पचम तो 25 रुपया हो जाएगा भाई। अब रुपए का कुल मान है कितना? तो कहेंगे 1000 रुपया। कितना है? 1000 रुपया है। मतलब सबको रुपए में कन्वर्ट के लिए कुल कितना रुपया हो गया है? तो कुल कितना बना इसको जोड़ेंगे तो 60 और 40 कितना हो जाएगा? कहेंगे 100। 100 में 25 जोड़े तो 125 रुपया। 125 बराबर किसके? 1000 के है। तो भाई एक की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू से काटो, 125 अट्ठे कितना होता है भाई? तो 1000 होता है। अब आप काट लीजिए इसको, 100 बार 8 बार ले जाएंगे तो 825 अट्ठे कितना? 200। 800 में 200 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा भाई। या आप 5 से काटना चालू कर दीजिए, आपका मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक की वैल्यू 8 है। अब हमसे पूछा क्या है प्रश्न में? प्रश्न पूछ रहा है 5 रुपए के नोटों की संख्या, जिसका पूछा जाए उसी अनुपात में भाई गुणा कर दो। इसमें 8 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा? कहेंगे 40। कितना हो जाएगा? तो 40 नोट हो जाएंगे। अगर 10 का पूछता तो इसमें गुणा करेंगे 8 से, तो 8 चौक कितना हो जाता भाई? 32 नोट हो जाएंगे। अगर 3 का पूछेगा इसमें गुणा करेंगे तो 8 तरीक कितना हो जाएगा भाई? तो 24 नोट हो जाएंगे। मतलब आपसे जो प्रश्न करेगा वो आप बता सकते हो। आपसे प्रश्न में किया क्या है उसने? तो 40 का है 5 रुपए के, तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका क्या होगा भाई? राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। कह रहा है 1 रुपया कामा 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के 378 सिक्कों। चलिए सबसे पहले रुपया पढ़ाए हैं, इसको पहले सीख ले, उसके बाद हम उस टाइप को सीखेंगे। पहले उस बेस पे एक और लगवा दे। चलिए देखें, एक थैले में 1 रुपया है तो हम 1 रुपया रखें। उसके बाद क्या कह रहा है भाई? 50 पैसे कह रहा है तो 50 पैसे। उसके बाद आपसे 25 पैसे कह रहा है तो 25 पैसे। अब अनुपात कितना दे रहा है सिक्कों का? अनुपात सिक्कों का अनुपात
अनुपात दे रहा है भाई आपको, 2:3:10 दे रहा है। तो सबसे पहले इनका हम लोग रुपए में बदलें, तो रुपए में कैसे बदलेंगे ये आपको समझना है। यहां पे अगर 2 से गुणा करें तो 2 × 1 = 2, 2 रुपया हो जाएगा। देखिए साइड में लिखना है तो लिख सकते हैं, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 2 × 1 = 2 रुपया। फिर प्लस लगाएंगे भाई, यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालना सिखा रहे हैं भाई। अगर 3 से गुणा करोगे तो 50 × 3 = 150, 150 देखो पैसा है तो पैसे में आएगा, 150 पैसे में कितना रुपया, तो कहोगे 1.5 रुपया, क्योंकि 1 रुपये में कितना पैसा, तो कहेंगे 100 पैसा होता है। तो 150 पैसा बराबर कितना रुपया बन जाएगा, कहेंगे 1.5 रुपया, 1.5 रुपये का मतलब 1.5। प्लस इसका गुणा करोगे तो 25 × 250 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 250 पैसा का मतलब क्या है, तो कहेंगे 2.5 रुपया, कितना हो जाएगा 2.5 रुपया। ठीक है, तो रुपया कुल कितना आ गया भाई, 1 कुल आ गया, कितना आ गया भाई, तो कहेंगे कुल आ गया है। देखेंगे इसको, अब आप इसको जोड़ें तो यहां पे कितना होगा, कहेंगे यहां पे देखिए 2.5 है भाई, यहां पे अगर जोड़े 2 × 1 = 3, एक आधा आधा जोड़ेंगे कितना होगा 4, और 4 × 2 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 6 आ गया, और 6 की वैल्यू कुल कितना है, तो कुल कहेंगे 72 है। तो 1 की वैल्यू निकालो भैया, तो कितना होगा 12 × 6 = 72, 6 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, कहेंगे 12 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा जा रहा है तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, आपसे सिक्के पूछ रहे हैं कुल कितने हैं। अगर आपसे अलग अलग पूछा जाए तो 1 की वैल्यू से गुणा कर दो भाई, 12 × 2 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 24, इसमें अगर गुणा करोगे तो 12 × 3 = 36, इसमें करेंगे तो 12 × 10 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कितना भाई 120। कुल पूछा जा रहा था, आप कुल में क्या करें, तीनों को जोड़ दीजिए, आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, या आप नहीं करना चाहें इकट्ठे कर लें तो कैसे होगा, सभी अनुपातों को जोड़ लीजिए भाई, कुल 3 × 2 = 5, और 5 × 10 कितना, तो कहेंगे 15, 1 की वैल्यू से गुणा कर दो तो 15 × 2 कितना होगा, तो कहेंगे 180 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 180, क्योंकि 15 × 2 = 30, 0 हासिल 3, 15 × 1 = 15, 15 × 3 कितना हो जाएगा 18, 180 कौन सा ऑप्शन, यहाँ सी ऑप्शन आपका क्या होगा भाई राइट होगा। मतलब यहाँ पे अगर रुपया है तो रुपये को भाई इसमें चेंज करना पड़ता है, इसका गुणा किए 2 × 1 = 2 रुपया बन गया, 50 × 3 = 150, 150 देखो पैसा है तो पैसे में आया, लेकिन हमको रुपये में बदलना है, तो 150 पैसा बराबर कितना रुपया, कहेंगे 1.5 रुपया। कैसे, अगर 150 पैसा है भाई तो रुपये में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग करना होता है, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 लगा, 1 अंक पे क्या लगा सकते हैं भाई, दशमलव, तो वही आ गया 1.5 रुपया बन गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न इसके पहले देखें, कह रहा 1 रुपया, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं भाई, यहां पे क्या दिया गया है, सिक्के कह रहा है, सिक्कों के मूल्य का अनुपात आपको दिया जा रहा है 13:11:7। देखिए सिक्के पर दूसरा टाइप है, इसको दूसरा टाइप कैसे करेंगे इसको समझना भाई, यहां पे है 1 रुपया और उसके बाद क्या है 50 पैसे, उसके बाद है 25 पैसे, 25 पैसे। अब आपको यहां पे मूल्य का अनुपात दे रहा है, मूल्य का अनुपात या मूल्यों का अनुपात होता है, इसको हम लोग सिक्कों का अनुपात के रूप में लाते हैं, सिक्कों का अनुपात, समझिएगा भाई, यहां पर मूल्यों का अनुपात कितना है, तो मूल्यों का अनुपात दिया जा रहा है 13:11:7। अब यहां पे आपको देखना होता है कुल कितने सिक्के हो जाएंगे, 1 रुपए के सिक्के देखना है भाई, 1 रुपए में एक ही है, यहां पे 13 × 1 कितना हो जाएगा, कहेंगे 13 सिक्के। 50 पैसे के सिक्के निकाल लीजिए भाई, तो देखिए 1 मिनट यहां पे नहीं, ऐसा नहीं, 1 रुपए में कितना, 1 रुपए का 1 सिक्का, क्योंकि 1 रुपए में 1 रुपए का भाई एक ही सिक्का बनेगा, यहां पे क्या करेंगे 1 से गुणा 13 × 13। अच्छा 50 पैसा है,
अब 50 पैसा, 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? तो कहेंगे 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के बनेंगे, इसमें 2 से गुणा हो जाएगा। किससे गुणा होगा भाई? तो 2 से 11 गुणे 2 हम लिख दे रहे हैं। 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे 1 रुपए में? कहेंगे 4। कितना सिक्का बनेगा? 4 सिक्का, जिसमें 7 से गुणा कर देंगे भाई। अगर इसको हल करें तो 13 अनुपात 11 2 22 अनुपात कितना? 7 4 28। ये आपका सिक्के मिल गए, सिक्कों की संख्या का अनुपात मिल गया, 13 अनुपात 22 अनुपात 28। अब आप 1 की वैल्यू निकालो भाई। चलिए कुल कितने सिक्के हैं? अब सबको क्या करें, आप जोड़ लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 50 50 और यहां पे कितना? 13। कहेंगे 63 63 आ गया कुल सिक्के। क्या गया भाई? कुल सिक्के। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो 63 बराबर सिक्कों की कुल संख्या कितना है? तो कहेंगे 378 है। तो 1 की वैल्यू निकालो भाई। 1 की वैल्यू निकालने का मतलब इससे भाग करो। लिख दे रहे हैं, भाग कर दे रहे हैं भाई। 9 से काटना चाहे तो 9 से कट सकता है, लेकिन 9 से काटे तो 9 7 63। अगर 9 से इसको काटे तो कितना? 9 4 36, 1 बचेगा, 9 2 18। आ कितना गया भाई मान? तो कहेंगे 42/7। 1 की वैल्यू है, और हल कर लेते हैं। तो 7 6 42 कितना आ गया? 6। 1 की वैल्यू 6 आ गया, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो अब आपको देखिए, यहाँ पे सिक्कों की संख्या पूछा है, मूल्यों का अनुपात पूछता तो इसमें मान से गुणा होगा, लेकिन सिक्के पूछ रहा है तो सिक्के में गुणा करेंगे। हमसे किसका पूछा गया भाई मान? मान जो पूछा गया है वो हमसे 50 पैसे का पूछा जा रहा है, तो 50 पैसे वाले में गुणा कर दें। यहाँ पे गुणा, 1 की वैल्यू 6 आया, तो 6 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 6 2 12, 12 की 2 हासिल, 1 6 2 12 1 13, 132 हो जाएगा। कितना सिक्का आ जाएगा? 132। और कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा भाई? राइट होगा। अगर 1 रुपये का पूछेगा तो 1 रुपये वाले में गुणा, 25 पैसे वाला पूछेगा तो 25 पैसे वाले में गुणा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को भाई समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं तो आप देखिए वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, आराम से समझिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। इसलिए मेहनत जारी करो भाई, और वीडियो को थोड़ा शेयर किया करें, लाइक कमेंट करके जरूर बताया करें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।